राजेंद्र नगर में जो मैन मेड डिजास्टर हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी की आपराधिक लापरवाही नहीं, उनका भ्रष्टाचार भी सामने निकल कर आ रहा है। अब आया है सामने कि कैसे एक विद्यार्थी ने 26 जून को शिकायत की थी कि इसी क्लास में बेसमेंट में इलीगली लाइब्रेरी और क्लासरूम चलाई जा रही थी। ये बहुत बड़ा खतरा था, पर क्योंकि एमसीडी में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमें ये भी पता है कि फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट, फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट ने इस क्लास को बेसमेंट की अनुमति स्टोरेज के लिए दी थी, पर वो लाइब्रेरी और क्लास के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, उस पर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब यहाँ पर भी भ्रष्टाचार हुआ। तीसरा कि पानी थोड़ी सी बारिश में जमाव हो जाता है, जम जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाता है। स्थानीय निवासियों ने एमएलए को बार बार कहा था कि नालियां साफ करवाइए, नालियां साफ करवाइए। डीसिल्टिंग का पैसा तो खर्च हुआ पर डीसिल्टिंग हुई नहीं, ये हाईकोर्ट ने भी कहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर भी भ्रष्टाचार हुआ। आज एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, जल विभाग, फायर, ये सारी जो है आम आदमी पार्टी की सरकार के तहत ही आते हैं। इससे पहले एमसीडी के कोई गाइडलाइंस नहीं थे बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरीज के लिए। आज ही एमसीडी जागी और मेयर साहिबा ने कुछ गाइडलाइंस के लिए अब इंक्वायरी के लिए बोला है, एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की बात हो रही है। ये सारी चीज़ें ध्यान भटकाने के लिए हैं। असलियत में वहाँ के एमएलए दुर्गेश पाठक, वहाँ के एमसीडी के लोग, वहाँ पे मेयर आतिशी जो मंत्री है और अरविंद केजरीवाल, इनकी जिम्मेदारी तो आज स्पष्ट है और इनको न केवल इस्तीफा देना चाहिए पर इनके ऊपर स्क्रूटनी और इनके ऊपर इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए, क्योंकि ज़रूर पैसा नीचे से ऊपर तक गया है, इसीलिए ये गोरख धंधा चलता रहा। और ये कोई पहली ऐसी हत्या नहीं, मैं इसको हत्या कह रहा हूँ, हादसा नहीं है, हादसा एक होता है, हत्याएं 8 हुई है पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में। हमने पटेल नगर की घटना देखी, सदर बाजार की देखी, भजनपुरा की देखी, इसके अलावा रोहिणी में भी ऐसी घटना हुई जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा हुआ, नंगी तारे बिजली की वहाँ पर पानी को छूती हैं और व्यक्ति मर जाता है। तो ये हादसा नहीं, हत्या है, मैन मेड डिजास्टर है। और ये प्रमाण आने के बाद आम आदमी पार्टी की आपराधिक लापरवाही और भ्रष्टाचार दोनों का प्रमाण मिलता है।